उज्जैन पुलिस ने प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर लूट और डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बरगुंडा और कंजर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने 4 जवान भी घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों से 2,00,000 नकद, सोने चांदी के जेवरात, कंप्यूटर स्क्रीन, 2 बाइक, तलवार, एयरगन सहित कई सामग्री जब्त की है। साथ ही गिरोह को पकड़ने वाली टीम को 1,50,000 का रिवॉर्ड देने की घोषणा की गई है। उज्जैन में पिछले 3 माह से जिले भर के पेट्रोल पंपों पर लगातार लूट और डकैती की वारदात हुई है, जिसके बाद जिले में पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। लगातार पुलिस द्वारा चेकिंग और धरपकड़ अभियान चलाया गया, साथ ही पारदी, कंजर और आपराधिक समुदाय के डेरों पर दबिश दी। ऐसे में पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि बीती रात कुछ अज्ञात बदमाश 2 बाइक पर निकले हैं और उज्जैन के आसपास वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने सभी थानों को अलर्ट किया और बड़ा गांव के समीप घेराबंदी कर दी। आरोपियों ने भागने का प्रयास भी किया। घेराबंदी में पुलिस का आरोपियों से आमना सामना हो गया, जिसमें 4 पुलिस जवान घायल हो गए। पुलिस ने बलपूर्वक 2 आरोपी तूफान सिलोदिया बरगुंडा और राजेश झाला कंजर, दोनों निवासी देवास, को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा कर दिया। घटना में लिप्त अन्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 2,00,000 नकद, सोने चांदी के जेवरात, कंप्यूटर स्क्रीन, 2 बाइक, तलवार, एयरगन सहित कई सामग्री जब्त की गई है। गिरोह के सरगना राजेश झाला कंजर ने उज्जैन जिले में 10 लूट और डकैती की वारदात करना कबूला है। सभी आरोपियों के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक अपराध प्रदेश के अन्य थानों में दर्ज है। एडीजी और एसपी ने गिरोह को पकड़ने वाली टीम को 1,50,000 रुपए रिवॉर्ड देने की घोषणा की है। पिछले कुछ समय से उज्जैन में डकैती की पेट्रोल पंप पे वारदातें हो रही थी। कुल 10 वारदातें यहाँ पर हुई हैं और पुलिस ने ये वारदात करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे कुछ मशरूका जो लूटा गया था बरामद है और घटना में प्रयोग होने वाले हथियार तथा वाहन पुलिस ने जब्त किए हैं। क्योंकि ये पूरा स्टेट लेवल का गैंग है, इसने उज्जैन के अतिरिक्त संभवतः अन्य जिलों में भी, देवास, रतलाम, इंदौर में भी वारदातें की हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण गैंग था, इसलिए लगभग 1,50,000 के ऊपर का इनाम इनके ऊपर पूर्व से पूछे। इसमें पेट्रोल पंप से जो मशरूका लूटा गया था तो लगभग 2,00,000 के ऊपर की रकम पुलिस ने जब्त की। इसमें चूंकि पुलिस ने घेराबंदी करके इनको पकड़ा है, काफ़ी साहस का परिचय अधिकारी कर्मचारियों ने दिया है और इसी दौरान 4 पुलिसकर्मी भी घायल।